আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন তীব্রমথার জন্য শেষ লড়াই। প্রয়োজনে ভূপাগ্রা সম্পত্তি বিক্রি করে দেবেন, ঘর বিক্রি করে দেবে, কিন্তু দলের কর্মীদের বিক্রি হতে দেবে না। ত্রিপুরা ল্যান্ডের জন্য লড়াই চলবে। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এসে এই কথাই জানান দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন, কোন রাজনৈতিক দল যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে লিখিতভাবে মেনে না নেয় তাহলে দল জোটে যাবে না। নির্বাচনের এক মাস আগে কর্মীদের ধোকা দিতে পারবেন না, তাও কর্মীদের উদ্দেশ্যে এবং রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি জানান। আরও বলেন, ত্রিপুরাসাদের দীর্ঘ 75 বছরের বঞ্চনা একজন মন্ত্রী বা বিধায়ক হলে মিটবে না, তাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব স্বার্থপর বলে সমালোচনা করেন তিনি। তাই যতক্ষণ ত্রিপুরাসাদ হানসা থাকবে কেউ হারাতে পারবে না বলে জানান তিনি। আরো বলেন, যারা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের বিরোধ করছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, তারা দীর্ঘ 75 বছরে কি করেছে, ঘুমিয়ে কাটিয়েছে নাকি, কেন উন্নয়ন হয়নি ত্রিপুরাসাদের? পাশাপাশি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেউ সবসময় ক্ষমতায় থাকে না, পার্টি এবং নেতা আসবে এবং যাবে, কিন্তু আগে দেশের সংবিধান সুরক্ষার প্রয়োজন, তাই সংবিধান সুরক্ষিত রাখতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। पूरा जिंदगी कोई पावर में नहीं रहता। मानिक सरकार इतने साल तक पावर में था, आज पावर में नहीं है। ये गवर्नमेंट भी आज जो पावर में है ये पूरी पावर में नहीं रहेगा। तो आपका काम है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, आपका काम है कि कानून, जो कानून संविधान में लिखा गया उसका पालन करना, ना कि कोई नेता का बात सुनकर कानून क्रिमिनल्स को आप फ्री हैंड दे कि वो कानून तोड़े। आपका दायित्व बनता है कि पहले देखे कि वो त्रिपुरा का एक सिटीजन है, वासी है, ना कि बीजेपी का मेंबर है, सीपीएम का मेंबर है, कांग्रेस का मेंबर है या त्रिपुरा मोर्चा का मेंबर है। पहले आप संविधान का काम कीजिए। पार्टी आएगा जाएगा, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान को अगर आपको सुरक्षा रखना है, डेमोक्रेसी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप पहले जनता का बात सुनिए, जनता के दिल में क्या है उसके बारे सुनिए, ना कि कुछ लीडर फोन कर। मैं ठीक बोल रहा हूं? डेमोक्रेसी हैज टू बी सेव। और जो लोग पावर में है, अहंकार मत कीजिए, ये अहंकार सबका टूटता है एक दिन। जो पावर में था आज नहीं है, और जो आज पावर में है वो कल शायद नहीं रहे। लेकिन जब आप पावर में हो तो आपका विनम्रता, आप कितना हम्बल है, उसको देखकर आपको जनता याद करेगी। लास्ट पॉइंट, मैं अपने पूरे वॉरियर्स को एक बात बोलना चाहता हूं कि जब तक हमें राइटिंग में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन अंडर आर्टिकल 2 और 3 नहीं मिलता है, तब तक हम किसी के संग अलायंस के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के विरुद्ध में है, मैं उनको एक बात के लिए बोलना चाहता हूं। आपका क्या सोल्यूशन है? आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, आप 75 साल तक क्या कर रहे थे? हमने तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड 1 साल 2 साल पहले निकाला। आप इतने साल तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप? आपने हमेशा हमारे त्रिपुरा साहब को हल्का रखा, हल्के से लिया, हमें सीरियसली नहीं लिया। और मैं गलती भी नहीं बोलता, क्योंकि हमारे कुछ लीडर हैं जो हमेशा पैसे, थोड़ा पैसा देकर अपने लोगों को भेज देते हैं, लेकिन प्रद्युत विक्रम माणिक्य नहीं दिखने वाला।